आवाज आवाज करके दोबारा बोलें, दोबारा करके दोबारा बोलें। ओके, मैंने बीबीए किया है 2011 में, ठीक है। अब मुझे स्टडी वीजा पे कनाडा आना है। अब यहाँ पे बहुत सारी मैंने अच्छी अच्छी इमिग्रेशन ऑफिस में बात की, पर सबने मुझे मना कर दिया ये कह के कि आपका जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब आप वीजा पे तो नहीं जा सकते। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसके बारे में 3-4 वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को एक प्रूव करना होता है जिसको कहते हैं बोनाफाइड, मतलब उसका हिंदी में ये है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है कि नहीं है। और अगर आप सोचें कि जो स्टूडेंट ने इस वक्त 12वीं करी है और 12वीं के बाद वो बैचलर्स पे जा रहा है, या बैचलर्स करी है फिर बैचलर्स के इमीडिएटली बाद वो मास्टर्स पे जा रहा है, तो उसका प्रूव करना बहुत ही आसान है कि ये स्टूडेंट है। जिस स्टूडेंट को कनाडा यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है वो एज्यूम करती है कि ये आके पढ़ेगा, और पढ़ना भी चाहिए, उसके लिए वो पैसे भी ले रहे हैं। तो अगर आपके पास गैप है बहुत बड़ा, जैसे कि आपने 5-10 साल का गैप है और आपने पढ़ाई नहीं करी, तो फिर वीजा ऑफिसर को एक शक हो जाता है कि ये वाकई स्टूडेंट है या स्टूडेंट के चक्कर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, इसलिए कंसल्टेंट थोड़ा सा डरते हैं। और कोई बात नहीं, क्योंकि कंसल्टेंट को तो पैसे चाहिए, पैसे ऑफ कोर्स दे हैव टू चार्ज द मनी टू डू द एप्लीकेशन, और उनको कमीशन भी चाहिए। अगर वो आपकी एप्लीकेशन करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन में एक नॉर्मल से ज्यादा एक रिस्क है कि एप्लीकेशन डिनाई हो जाएगी, और एप्लीकेशन डिनाई हो जाएगी कंसल्टेंट का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा और आपकी रिफ्यूजल आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा वो आपकी एप्लीकेशन को लेने में डरते हैं। लेकिन आपने अगर काम किया है, आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई अपने ही सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई आपका पास एक्सपीरियंस है जो उसको फिल करता है गैप को, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बड़े बड़े गैप वालों को वीजा मिलते देखा है और वीजा मिलता है, इतनी बड़ी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आप बताएं, आप क्या जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास, क्या करते रहे उसके बाद? मैंने 2 साल किया था ग्रीट एंड गिफ्ट में एज अ मैनेजर अकाउंट असिस्टेंट। अब नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी है 4 साल की, तो मैंने फिर छोड़ दिया था। कितने साल से खाली बैठे हैं आप? बहुत साल हो गए। देखिए ऐसा है, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि आपकी मर्जी है, अगर आपको अप्लाई करना है तो कर ले। मेरी बात सुनिए। हाँ, अब मैंने बहुत सारी कनाडा की जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज थी वहाँ पे मैंने ईमेल डाले, यही बात मैंने उनको भी बताई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसा तो कुछ नहीं, आप पढ़ सकती है, आप फीस वगैरह पेमेंट कर दीजिए, फिर आपकी आप IELTS के जो स्कोर आते हैं वो सब कुछ ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है। तो अब मैं ये कर सकती हूँ कि मैं वहाँ विजिटर वीजा पे जाके मैं अपना स्टडी मतलब अप्लाई कर सकती हूँ? अरे नहीं, नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, ये आपको गलत राय कोई दे रहा है, अगर दे रहा है तो इसके बारे में दूर कर दूं डाउट। स्टडी वीजा इसके बारे में काफी सारे मैंने पहले भी वीडियोस हैं मेरी कि लोगों ने जो विजिटर वीजा पे जाके कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो ऐसा नहीं है कि सबको सक्सेस मिल गई। विजिटर वीजा एक अलग चीज है, स्टडी वीजा का कॉन्सेप्ट एक अलग है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से रिस्क है ज्यादा इंडिया से, वहां जाके कोई अच्छा कोई साधन मिल जाएगा या इजी हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाले। आपका जो स्टडी वीजा का जो डिसीजन है वो उसके अपने मेरिट्स पे देखा जाएगा, चाहे आप विद इन कैनेडा कर रहे हो चाहे आप आउटसाइड कैनेडा कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बजाय इसके कि आप विजिटर वीजा की क्या गारंटी आपको मिल जाएगा, विजिटर वीजा की कोई गारंटी थोड़ी है। और बजाय इसके कि आप विजिटर वीजा पे अपना फोकस करें, आप अपने आप को थोड़ा इवेल्युएट करें कि आपने क्या पढ़ाया, क्या सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाई करी है, आपने क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आपका स्टडी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखते हैं, और वो एक जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं है कि भाई फ्यूचर में हम फलाना कोर्स करेंगे उससे आपका क्या एक डिग्री मिलने वाला है, उससे क्या आपका फायदा होने वाला है। जी, मैंने तो बैचलर किया है, तो मेरा तो यही गोल है कि मैं 2 इयर्स कोई MBA अच्छा सा कोर्स ले लूं, क्योंकि मुझे तो मेरा मेन एम यही है कि मैं वहां जाके अच्छी स्टडी करूं ताकि इन फ्यूचर मुझे कोई अच्छी जॉब मिले। तो आप डरे ना, आप अपने आप को संशय से निकालें और आप MBA में एडमिशन लेकर
आप जय श्री कृष्णा बोलें और अपना वीजा की फाइल अपने आप लगाएं। तो पर कोई यहाँ पे मेरी फाइल ले ही नहीं रहा है, मैंने सबको कहा। तो आप छोड़े उनको, छोड़े कंसल्टेंट को, अपनी फाइल अपने आप लगाएं। अब मैं अपने आप मतलब मैं ट्यूशन फी वगैरह तो अप्लाई कर दूंगी, फिर यहाँ पे वीजा नहीं हुआ तो नहीं। वो तो गारंटी किसी की नहीं है, वो तो आपको क्या कंसल्टेंट गारंटी करेगा कि वीजा लगा देगा? कोई गारंटी नहीं कर सकता। अपनी एप्लीकेशन आप अपने आप तैयार करें और किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी लॉयर को एक बार चेक करा दे कि भाई देखो कुछ इसमें कोई कमी पेशी नजर आ रही है, और उसके हिसाब से आप लगा लें। फिर भी मैं आपको ये मुझे ऐसा नहीं कि मुझे एक साल का कोई कोर्स, मुझे दो साल का ही लेना है, क्योंकि मुझे अच्छी स्टडी करनी है ताकि मुझे अच्छी जॉब मिल सके। कोई 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 फर्क नहीं है, आप चाहे दो साल का लें चाहे किसी एक साल का लें, उससे कोई फर्क नहीं है। स्टडी वीजा का जो एक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आपके पास पैसा होना चाहिए, आपकी इंग्लिश हाई होनी चाहिए, आपके पास जो गैप कवर करके जस्टिफाई करें वो होना चाहिए, और आपके पास एक जिसको हम कहते हैं ना बोनाफाइड कहते हैं कि आप मुड़ के आओगे। यू नो नॉर्मली सारे स्टूडेंट तो आता तो कोई नहीं है, लेकिन सब शो करते हैं कि हम मुड़ के आएंगे, तो ये सब शो करेंगे तो आपको वीजा मिल जाएगा। इंग्लिश हाई रखें आप, और पैसा कम से कम 6 महीने की, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट अपनी स्ट्रॉन्ग रखे, फंड शो करें। वो तो है कि मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी रिटायर हो चुके गवर्नमेंट में थे, तो उनको तो वो तो वाइट मनी है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। हमारे तो घर भी है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमारे पास वाइट मनी है जो ऐसे कि हम कुछ गलत कर सा रहे, सही ही बता रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ 6-8 महीने पहले रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। सही है, फिर आप घबराएं ना, आप मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका वीजा जरूर लगेगा, आप करें अप्लाई, आप फिक्र ना करें, क्योंकि अगर फीस पेमेंट ये गारंटी कोई दे नहीं सकता आपको। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी लॉयर, कोई भी बड़े से बड़ा जो नामी ग्रामी जो लॉयर है, कंसल्टेंट जिनकी अपनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वेबसाइट है, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वीजा लगा देगा। अगर 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 कोई इंसान गारंटी की बातें कर रहा है तो वो आपको फुसला रहा है और झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी के पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है कि वीजा आपको प्रिंट करके दे देगा। उनको भी आपकी एप्लीकेशन लेनी है, आपकी एप्लीकेशन को भर के प्रेजेंट करना है, तो उसमें थोड़ा सा जिसको कहते हैं पॉलिश वगैरह करके सबमिट करना है। बाकी गारंटी, देयर इज नो गारंटी इन वीजा इमिग्रेशन वर्ल्ड। नहीं मतलब मैं ट्यूशन फी वहां की तो ट्यूशन फी यहां से अप्लाई करूंगी तो मिनिमम 8-9 लाख तो हो गए, तो फिर वीजा नहीं लगेगा। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी देखे ना कोई, जिसकी ऐसी कोई पॉलिसी हो जो इतने सारे पैसे ना पे करने पड़ते हों और जिसमें थोड़ा बहुत डिपॉजिट देने से काम हो रहा है। और दूसरा ये भी उनसे पूछें कि अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो पैसे आपको कब वापस होंगे, कैसे वापस होंगे और कितने उसमें कटेंगे। उसमें कुछ ना कुछ तो कटना है, $100-200 कुछ ना कुछ कटना है, शायद ज्यादा ना हो, तो ये पहले से आप पता कर लें तो आपका सेफ्टी है। कनाडा की कोई भी यूनिवर्सिटी है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई भी आपके पैसे मारेंगे नहीं। वो पैसे आपको मतलब ये ना सोचे कि आपने पैसे जमा करे वहां पर और पैसे आपके फंस गए, और ये ऐसा कभी नहीं होने वाला। जी ऐसा कुछ नहीं होना। अच्छा अब मुझे दूसरी एक बात भी पूछनी थी आपसे कि मेरे हस्बैंड वो अभी गवर्नमेंट में जॉब करे, 7 साल का एक्सपीरियंस है उनको, तो अब कुछ एक्सप्रेस एंट्री और पीएनसी कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। एक्सप्रेस एंट्री के लिए उनको कहो कि आप अपने पॉइंट्स चेक करें, एक्सप्रेस एंट्री की वेबसाइट जाके देखो कितने पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट्स आते हैं उनके, हाँ वो 423 से कुछ ज्यादा थे, अगर वो 777-8 स्कोर लाए तो वो हाई हो जाता है। सही बात है क्योंकि उन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है, फिर 7 साल का एक्सपीरियंस भी है अच्छा सा। तो बेटर ये है कि आप बेटर ये है कि आप स्टडी वीजा वगैरह अपना टाइम और पैसा ना खराब करें, उनसे कहें कि इंग्लिश वगैरह इंप्रूव करके अपने एक्सप्रेस एंट्री में फाइल डालें, बेटर ये है। और पीएनपी में हो सकता है, सपोज कि एक्सप्रेस एंट्री में 777-8 ना आए, पीएनपी की थोड़ी से आपको समझने की जरूरत है। पीएनपी का ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बैठे बैठे आपको पीएनपी हो जाएगा, पीएनपी के अलग अपने रूल्स होते हैं, और मोर और लेस अगर जो जनरल कैटेगरी है जो एक्सप्रेस एंट्री की, उसमें पीएनपी आपको नॉर्मली नहीं आएगा। पीएनपी के बारे में आपको बता दूं और बाकी जो दुनिया देख रही है उनको भी बता दूं कि दो तरीके से पीएनपी आती है। एक तो यह है कि आप अप्लाई करें अलग से, जैसे कभी वो खुलता है, जैसे ओपन होता है, आपने देखा कभी ओपन होता जल्दी से बंद हो जाता है, वो उस वक्त आप अप्लाई करें और यू नीड टू हैव दोस पॉइंट्स, तब आप कर सकते हैं। दूसरा होता है कि एक्सप्रेस एंट्री में आपने ऑलरेडी डाली हुई है फाइल और आपने उस प्रोविंस को इंडिकेट कर रखा है, जैसे ओंटारियो में आपने कहा कि ओंटारियो में भी आप रह सकते हैं, तो ओंटारियो वाले आपकी एप्लीकेशन देखते हैं
और वो डिसाइड करते हैं कि आपको इनविटेशन देना है कि नहीं देना, तो मर्जी उनकी है, आपकी मर्जी नहीं है। और आप एक्सप्रेस एंट्री अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, प्रोफाइल अच्छी है, ऑक्यूपेशन अच्छी है, तो आपको चांसेस है कहीं ना कहीं आपको कहीं बुलावा आ सकता है, पर देयर इज नो गारंटी। पीएनपी जो चीज बनी हुई है, शायद आप समझें इसको कि पीएनपी जो सिस्टम बनाया हुआ है, प्रोविंसेस ने बनाया है अपने फायदे के लिए, जो ऑलरेडी लोग वहां पर रह रहे हैं। जैसे मैं अल्बर्टा में रहता हूँ, अल्बर्टा में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ाई करके वहाँ काम कर रहे हैं या पढ़ाई करने के अलावा भी जो ऑलरेडी वहाँ वर्क परमिट पे हैं, तो उनको प्रेफरेंस है कि वहाँ पर ऑलरेडी उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है और वर्किंग राइट्स हैं, तो उसको वो पहले पकड़ते हैं। तो जो जो इंसान ऑलरेडी उस प्रोविंस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मैनिटोबा और अभी कनेक्शन की बात करते हैं, आपका अगर कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, या आपने वहाँ जहाँ से पुरानी पढ़ाई कर रखी है, पुराना काम किया है, तो उसके बेसिस पे पीएनपी का रास्ते खुलते हैं। यहाँ से बैठे बैठे फ्रेश इंसान जो कभी कनाडा के किसी प्रोविंस में रहा नहीं है, उसके लिए पीएनपी का सपना देखना एक बहुत बड़ी वो बात है। सबको पीएनपी ऐसे नहीं मिलती है। कुछ आइसोलेटेड एग्जांपल्स हैं जिनको पीएनपी मिली है, उसके बेसिस पे कंसल्टेंट अपनी दुकान चलाते हैं, वो इट इज नॉट यूनिवर्सल, सबके लिए नहीं है। जैसे ओंटारियो में अगर आप ट्रेड्समैन हैं, जैसे वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं, जैसे छोटे जो ट्रेड्स का काम करते हैं ना, हाथ का काम करते हैं, उसको हम ट्रेड क्लास कहते हैं, उनको बहुत जल्दी एक इनविटेशन आता है पीएनपी के, ओआईएनपी के थ्रू, कि भी आपको अगर यहाँ आना है तो आप यहाँ आ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जर्नीमैन होना जरूरी है या जॉब होना जरूरी है, वो एक पॉसिबल सबके लिए नहीं है। तो आप पीएनपी का थोड़ा सपना थोड़ा सा हटा दें थोड़ी देर के लिए, और आप अपने हस्बैंड को कहें कि एक्सप्रेस एंट्री पे कॉन्सेंट्रेट करें। जो आपको स्कोर चाहिए है, मिनिमम स्कोर चाहिए है 440 तक लाने के लिए, वो आप स्कोर लाएं, उसको में तैयारी करें, पढ़ाई करें, बजाय के स्टडी वीजा में पैसा खराब करना या टाइम खराब करना। अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है, आप कर सकते हैं, पर लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में उसमें कोई खर्चा भी नहीं होना, सिर्फ $1100 फीस लगनी है हस्बैंड वाइफ की, उसमें तो कोई ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं, और सीधे शान से आप पीआर पे जाओगे यहां से। ओके, तो बेटर वही कि एक्सप्रेस एंट्री में ही ट्राई करें। मेरा तो आपके लिए मशवरा यही है कि मैं तो वही कह रही थी, बट वो कह रही थी कि अगर तुम वहां जाके स्टडी करो तो वो तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकती है। वो एक अलग चीज है। देखिए, आप दो चीजों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है। आपको आप वहां जाके पढ़ाई करेंगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, वो एक अलग चीज है, आपको मिलेगी भी। लेकिन अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री में कहीं गुंजाइश है तो व्हाई नॉट एक्सप्रेस एंट्री। आप देखो ना कि यहाँ से आप 3 times स्टूडेंट फीस दोगे, और जहां पर आपके साल की, जस्ट एग्जांपल लिया, जहां पर साल की आपकी $20,000 लगने हैं, वहां पर पीआर होके आपको $6,000-$7,000 ही लगेगा, तो पैसे क्यों नहीं बचाएं? तो आप पहले एक्सप्रेस एंट्री करें। अगर एक्सप्रेस एंट्री में अगर आप इंग्लिश में उनके स्कोर आते ही नहीं है तो आपको फिर जाना ही पड़ेगा। नहीं, हमने एक बार बहुत साल पहले उन्होंने एक ही बार दिया था, तो उसके उनको 6 band आए थे, फिर दूसरी बार उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। मैंने कहा 2-3 बार दे दो, अगर आ जाए तो ठीक है, तो उन्होंने कि वो हार मान गए कि नहीं मुझसे नहीं होगा ये सब, क्योंकि अब तक वो ऐसा है, उनको कमर कसनी पड़ेगी, ये होना ही पड़ेगा। अगर परिवार को ऐसे करना है तो करना ही पड़ेगा, नहीं है अगर देख दो बार करने पे नहीं होता है तो भाई फिर बाय बाय है, फिर तो आप स्टूडेंट का अपना कोशिश जारी रखें। और कोई सवाल है मेरे से? नहीं नहीं, थैंक यू। और हाँ, तीसरी बार यहाँ पे किसी ने ये कहा कि विजिटर वीजा पे आप जाके वर्किंग वीजा कन्वर्ट कराने, ऐसा कुछ मुझे तो कुछ ऐसा ये बात नहीं, ये आप ये इसके बारे में लंबा डिस्कशन हो जाएगा, ऐसा मतलब मैं ना मैं आपसे हाँ कह रहा हूँ ना कह रहा हूँ, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। तो आप मेरे वीडियोस में आपको लिंक देखूंगा तो उसको मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, तो आप उसको पढ़ें। इट इज नॉट दैट इजी। ये जो अगर कोई बोलता है कि एकदम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होना होता तो ऑलरेडी यहाँ पर हजारों वेस्टर्न वीजा वाले बैठे हुए, सभी जाके वहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। इट्स नॉट इजी, बट आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आई एम सेइंग देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, और लोगों को समझना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या बारीकियां हैं, क्या क्या इंट्रिकेसीज हैं, और कैसे कैसे आपके हालात बदल सकते हैं। जी जी, अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। और कोई सवाल? और कोई सवाल? नहीं सर, इतना ही था कि लास्ट में तो उन्होंने यही कहा कि अगर एक्सप्रेस एंट्री में, तो किसी ने उनको विजिटर वीजा के बारे में बताया था कि ऐसा हो सकता है वहाँ पे कुछ अटॉर्नी बैठे हुए हैं तो आपका करवा सकते, कुछ पैसे लगेंगे। मतलब अटॉर्नी बैठे हुए हैं, पहले अटॉर्नी से ये पूछ लो कि आपने पहले किसका कराया है, उसकी कुछ हमें कोई हवाला दे, उसका रास्ता बताएं कि भाई क्या कराया, कैसे किया, कितने पैसे लिए, क्या करा। असल में दुकानदारी में बहुत चीजें बताई नहीं जाती, लेकिन अंदर अंदर होती हैं। जी जी, और हाँ। और जब तक ट्रांसपेरेंटली अगर कोई चीज को पता ना
चले कस्टमर को, तो कहीं ना कहीं वो धोखा खाएगा और लोग धोखा खाते भी हैं। तो पैसे बचाने के लिए और धोखा से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस कानून को, उस इंफॉर्मेशन को, उस प्रोसीजर को समझा जाए जिसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज ऐसे होती है ऐसे नहीं होती है, एटलीस्ट आपको धोखे से, काफी हद तक धोखे से बच जाओगे। जी जी ओके ओके, देखते हैं फिर एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। थैंक यू पाजी, आपने बहुत अच्छी बात की मुझसे, और जो मेरे दिमाग में था ऐसा कुछ तो वो सारा क्लियर हो गया। पर जब आप सही रास्ते पे जाएंगे अच्छे से एक्सप्रेस एंट्री में प्रिपेरेशन करेंगे, देखते क्या होता है। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।